सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें पंजाब की भाखड़ा नहर में दवाइयां और इंजेक्शन की शीशियां बहती हुई दिख रही हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए पंजाब सरकार को काफी भला बुरा कहा। उन्होंने सवाल उठाया कि इस आपराधिक घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और पंजाब सरकार चुप क्यों है। भाजपा पंजाब और भाजपा राजस्थान के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो ट्वीट किया गया और आलोचनात्मक बातें लिखी गई। इन हैंडल्स ने वीडियो के साथ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए। इनमें से एक रिपोर्ट में राजस्थान सरकार के पंजाब को 10,000 डोज भेजने की खबर है, जबकि दूसरे स्क्रीनशॉट में भाखड़ा नहर में दवा बहती हुई देखे जाने की खबर दिखती है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर हुआ और यूजर्स ने तरह तरह की बातें कही। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है? ऑल्ट न्यूज ने पाया कि यह वीडियो पंजाब की भाखड़ा नहर का ही है, लेकिन ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर ने इन दवाइयों को फर्जी बताया। 6 मई 2021 की द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में बताया गया है कि भाखड़ा नहर में कम से कम 621 फर्जी रेमडेसिविर की शीशियां फेंकी गई थी। चमकौर साहिब के डीएसपी के नेतृत्व में काम कर रही पुलिस टीम ने रेमडेसिविर के अलावा सैकड़ों सेफोपेराजोन इंजेक्शन की शीशियां भी बरामद की। इस टीम के साथ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे। ऑल्ट न्यूज ने रोपड़ के एसएसपी अखिल चौधरी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है और एसपी रैंक के ऑफिसर के नेतृत्व में गठित टीम इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रग कंट्रोल ऑफिसर के मुताबिक नहर में मिली शीशियों के लेबल असली शीशियों से मैच नहीं करते हैं, इस कारण ये शीशियां फर्जी हो सकती हैं। यहां आपको यह भी बता दें कि बीजेपी राजस्थान ने न्यूज 18 की जिस रिपोर्ट को शेयर किया था उसे अब अपडेट कर दिया गया है। पहले इस रिपोर्ट का टाइटल था पंजाब नहर में बहते मिले हजारों रेमडेसिविर इंजेक्शन, डिब्बे पर लिखा था फॉर गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। बाद में अपडेट कर इस आर्टिकल का टाइटल लिखा गया पंजाब नहर में बहते मिले रेमडेसिविर इंजेक्शन, जांच में पाए गए नकली, पुलिस ने दर्ज किया केस। वहीं आपको यह भी बता दें कि संबित पात्रा को इस वीडियो को ट्वीट किए हुए 30 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने गैर भाजपा नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। संबित पात्रा खुद एक डॉक्टर हैं और उनसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि उन्हें भली भांति ये मालूम होगा कि नकली इंजेक्शन और असली इंजेक्शन में क्या फर्क होता है। इस मामले में जांच जारी है, लेकिन राजनीतिक अंक कमाने के चक्कर में डॉक्टर संबित पात्रा न केवल भ्रम फैलाने वाले दावे कर रहे हैं, बल्कि अपनी डिग्री की लाज भी रखते नहीं दिख रहे हैं।